नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों मैं आज क्लास 11th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं बताने जा रहा हूँ जो काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपकी सारे कंफ्यूजन मिसकंसेप्शन सारे खत्म हो जाने वाले हैं। द नोड्यूल फॉर्मेशन, किस तरह से जो प्लांट होते हैं उनके अंदर में नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि बेटा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रीली आपके नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर सकते हैं, यानी कि बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पार्टिकुलरली जब तक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं आएंगे किसके किसी भी रूट के, तब तक वो बेटा जी क्या नहीं कर सकते हैं, आपका नाइट्रोजन को वो फिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम इसमें देखेंगे, देखिए कि जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है दैट इज राइजोबियम। ओके, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है राइजोबियम, अगर फ्रीली है यानी कि फ्रीली ये सरवाइव तो कर सकता है, ये फ्री लिविंग है, तो फ्री लिविंग है सरवाइव कर सकता है, फ्रीली ये क्या कर रहा है सरवाइव कर रहा है, लेकिन वो तब तक नहीं फिक्स कर पाएगा किसको बेटा जी, नाइट्रोजन को तब तक फिक्स नहीं कर पाएगा जब तक ये किसी लेग्यूम प्लांट की जो ये रूट है, द रूट ऑफ एनी लेग्यूम प्लांट, इसके साथ में एसोसिएशन नहीं बनाएगा। तो जैसे ये है रूट, इसके साथ में एसोसिएशन में अगर राइजोबियम आ जाएगा, लेग्यूम प्लांट के साथ में आ जाएगा, यानी दोनों एक साथ मिलके क्या कहलाते हैं बेटा, एसोसिएशन बनाएंगे, तब वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसी पूरे फिनोमिनन को हमें समझना है कि किस तरह से जब कोई बैक्टीरिया किसी रूट पे जाके चिपकता है, जुड़ता है या उसके साथ कंबाइन होता है, तो ऐसा क्या चेंज होता है रूट में, ऐसा क्या चेंज होता है रूट में जिससे नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, यानी दिस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन गॉट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ऐसा क्या होता है। तो बेटा होता क्या है, जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो कंबाइन करेगा किसी भी लेग्यूम प्लांट की रूट से, क्योंकि मैंने बताया ही था कि लेग्यूम प्लांट्स की रूट के साथ में कंबाइन होता है बैक्टीरिया, तो एक एसोसिएशन बनता है और वो एसोसिएशन की वजह से रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, रूट नोड्यूल। इसी रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन को हमें जानना है कि एक्चुअली ये रूट नोड्यूल कैसे फॉर्म होता है और ये किस तरह से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। चलिए, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नोड्यूल फॉर्मेशन मतलब क्या है कि इस बुक में जो नोड्यूल फॉर्मेशन दे रखा है वो पार्टिकुलरली सोयाबीन प्लांट में दिया हुआ है, सोयाबीन भी एक लेग्यूम प्लांट है उसी में दे रखा है। तो डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स इन सोयाबीन प्लांट्स, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये भी पूछा हुआ है कि किस प्लांट में अगर देखा गया तो सोयाबीन प्लांट्स में दिखाया गया है आपके एनसीईआरटी में, जो कि पेज नंबर 203। ओके जी, एनसीईआरटी के 203 पेज नंबर पे ये पूरा फिनोमिनन दिखाया गया है। पहले तो ये बात। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला दिस इज नेसेसरी, नोड्यूल फॉर्मेशन कब जरूरी है, नोड्यूल फॉर्मेशन इज नेसेसरी ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरियल सिम्बायोसिस ओनली। बेटा जब वो फ्रीली अवेलेबल था और फ्रीली नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा था तो वहां कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई नोड्यूल बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो नोड्यूल बनना ही बनना है। यही कह रहा है नोड्यूल फॉर्मेशन, दिस इज का मतलब क्या है, नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन इज नेसेसरी ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरियल सिम्बायोसिस ओनली, यानी जो बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली कंबाइन होती है लेग्यूम प्लांट्स के साथ में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए।
नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, अब ये नोड्यूल फॉर्मेशन एक सिंगल स्टेप में नहीं होता है, कुछ मल्टीपल स्टेप में होता है, हमको हर एक स्टेप को बारी बारी से समझना होगा। नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन राइजोबियम जो कि बैक्टीरिया है एंड रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट या जो लेग्यूम प्लांट हमने लिया दैट इज सोयाबीन। सो अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी स्टेजेज है पार्टिकुलरली जिसके अंदर में आपका रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, तो ये आप लिख लीजिएगा प्रिंसिपल स्टेजेस इन द नोड्यूल फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। तो हम लोग अब एक एक स्टेप को देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये किस तरह से नोड्यूल फॉर्मेशन होता है एक एक स्टेप को। तो अब मैं नोड्यूल फॉर्मेशन की स्टेप्स लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में, इधर में लेफ्ट साइड में समझाता जाऊंगा और जो समझाऊंगा उसको यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है, आप भी वैसे ही करते जाइएगा, ठीक है। इस साइड में एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, इस साइड में बताऊंगा। चलिए तो देखिए बेटा जी, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं जो एपिडर्मल पार्ट होता है रूट का, वो एक्सटेंड करके एक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर। क्या बनाता है? मैंने बोला जो एपिडर्मल या एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है रूट का, उसके अंदर में थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाता है और वो बनाता है रूट हेयर। तो रूट हेयर को मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस, लिख लीजिएगा। ये क्या बेटा जी? एक्सटेंशन है ऑफ एपिडर्मिस। देखिए रूट हेयर, जब रूट के अंदर के आपकी सेल्स को आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बाहर वाली लेयर है, जो मान लीजिए ये वाली लेयर है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो सबसे बाहर में होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एपिडर्मिस। ये आपका रूट है, सबसे बाहर में जो होगी वो होगी बेटा जी एपिडर्मिस, ओके जी। इसके अंदर में एक सेल होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टेक्स। तो ये बाहर से आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, इधर से इधर आप जा रहे हैं, इसका मतलब ये बाहर की तरफ है और ये इधर हम जा रहे हैं अंदर। तो सबसे बाहर वाली सेल कौन सी हुई? एपिडर्मिस। उसके अंदर में कॉर्टेक्स। इसी कॉर्टेक्स के एकदम इनर मोस्ट लेयर में, इनर मोस्ट लेयर में यानी कि इनर मोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंडोडर्मिस। जो ये वाली कॉर्टेक्स का जो ये भाग होता है इनर मोस्ट लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस, जो किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का ही पार्ट है आपका एंडोडर्मिस, एकदम इनर साइड वाला। तो ये कॉर्टेक्स हो गया, और कॉर्टेक्स के बाद और अंदर आएंगे तो एक और लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज दिस वन लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकल। क्या बोलते हैं जी? पेरिसाइकल, इसको हम लोग बोल सकते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल, ठीक है, जरा मैं देख लूं इट इज विजिबल और नॉट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी पेरिसाइकल। देख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पेरिसाइकल, ठीक है। तो याद रखिएगा रूट हेयर, देखिए ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ है तो रूट हेयर बन गया है। एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है रूट हेयर, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर में होगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होगी एंडोडर्मिस, और उस सबसे अंदर में जो सेल है दैट इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल, इट इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल। फिर नीचे भी आपको लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, सबसे बाहर में है एपिडर्मिस, ये वाला है, दिस इज एपिडर्मिस, ये वाला होगा कॉर्टेक्स,
कॉर्टेक्स के अंदर वाला हिस्सा जो होगा एंडोडर्मिस, लिख लीजिएगा, यह है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर में होगा बेटा जी पेरिसाइकल, जो सबसे अंदर में होगा. सो दीज आर द सम पार्ट्स ऑफ द व्हाट रूट. इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इसका स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं. क्लियर है जी? तो मैंने बता दिया कि कुछ सेल जो होती हैं रूट की, वो सारी चीजें मैंने यहां पे लिख के बता दी. ठीक है, अब आते हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन. तो याद रखिएगा, सबसे बाहर वाली जो सेल होगी रूट की, उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, उसके अंदर में कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर में पेरिसाइकल. बस इतना याद रखिएगा आपके सुविधा के लिए. चलिए, अब क्या होगा, ये जो रूट हेयर बना हुआ है बेटा, यहां पे कुछ क्या आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, कौन सी बैक्टीरिया है, राइजोबियम. तो सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया, दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, आ जाते हैं आपके रूट नोड, ये जो बना हुआ है दैट इज द रूट हेयर, रूट हेयर के पास में आ जाते हैं. जब ये यहां पे आते हैं तो सबसे पहला काम होता है इनके अंदर में मल्टीप्लीकेशन होगा. क्या होगा बेटा जी, मल्टीप्लीकेशन होगा. तो भैया ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, राइजोबियम क्या करेंगे यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे. और जब ये राइजोबियम बेसिकली एक बैक्टीरिया है, तो वही बेसिकली अगर बैक्टीरिया में देखोगे तो आपका बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है, दो दो से चार, चार से आठ, यानी अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे. तो पहले कितने थे, पहले मान लीजिए कितने थे, एक दो तीन चार थे. अब जो है बेटा जी ये बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा राइजोबियम हो गए. ये जो रेड रेड दिख रहा है ये रूट हेयर के चारों तरफ क्या हो गया बेटा जी, राइजोबियम हो आ जाएगा. देखिए, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइजोबियम होंगे ये डिवाइड करेंगे और अपने नंबर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे. क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, किसके सराउंडिंग में, एपिडर्मिस या रूट हेयर के चारों तरफ. दिख रहा है कहां बढ़े हैं, पहले कितने थे, चार, लेकिन जब इनके अंदर में डिवीजन होगा, जैसे ही आप कहां जाएंगे, होस्ट सेल के पास में आ जाएंगे, ये फ्रीक्वेंटली अपने नंबर को बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नंबर को बढ़ाएंगे. तो बहुत ज्यादा नंबर को बढ़ाएंगे किसके सराउंडिंग में, रूट हेयर या एपिडर्मिस के सराउंडिंग में. तो ये पहला स्टेप यही है. सो स्टेप फर्स्ट लिखिएगा, स्टेप फर्स्ट ध्यान से लिखिएगा. राइजोबिया मतलब सिंपली ये प्लूरल फॉर्म है, ओके, और सिंगुलर फॉर्म क्या कहलाता है, राइजोबियम, जो कि सिंगुलर है, ओके जी. तो राइजोबियम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड इंक्रीजेस इट्स नंबर या एंड कॉलोनाइज, यानी कि अपनी कॉलोनी बनाएंगी, कॉलोनाइज किसके सराउंडिंग में बताइए, रूट हेयर या एपिडर्मिस के सराउंडिंग में कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ रूट हेयर एंड एपिडर्मल सेल. कहां पे, रूट हेयर के सराउंडिंग में, एंड गेट अटैच सराउंडिंग द रूट लिखिए पहले, किसके सराउंडिंग में. तो देखिए, राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज, राइजोबियम पूरा मल्टीप्लाई करेगा और कॉलोनी बनाएगा अराउंड द रूट, सराउंड कर लेगा पूरे रूट को, सराउंडिंग ऑफ रूट एंड पहले रूट के चारों तरफ अपने नंबर को इंक्रीज करेगा और जाके अटैच हो जाएगा. देखिए ये धीरे धीरे किस पे अटैच हो गए हैं,
रूट हेयर पे या फिर एपिडर्मिस में। ध्यान रखिएगा राइजोबियम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा, अपने कॉलोनी को बनाएगा सराउंडिंग द रूट, और किससे जाके अटैच हो जाएगा, रूट हेयर या एपिडर्मल, रूट हेयर या एपिडर्मल हेयर सेल से अटैच हो जाएगा एंड गेट अटैच्ड टू एपिडर्मल या तो एपिडर्मिस से एंड रूट हेयर सेल। तो ये पहला स्टेप है, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले राइजोबियम आपके कहां पे आएगा, रूट के पास में आएगा, जैसे ही आएगा फ्रिक्वेंटली क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर को बढ़ा लेगा और ये किसके साथ कंबाइन होने लगेगा, आपके रूट हेयर या एपिडर्मिस के साथ में कंबाइन होने लगेगा। तो ये पहला स्टेप है, ठीक है जी। अब आ जाइए, तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ जी, ओके जी। अब देखिए जब क्या होगा बेटा जी, नंबर बढ़ेगा, जब नंबर बढ़ेगा तो रूट हेयर क्या करेगा बेटा, अपने आप को क्या कर लेगा, कर्ल कर लेगा, क्या कर लेगा। देखिए जैसे ही नंबर इनका बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, राइजोबियम का, जब ये नंबर बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, जो रूट हेयर एकदम स्ट्रेट था उसको अब क्या करेंगे, हुक की तरह फॉर्म कर लेंगे या कर्ल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहां पे रूट हेयर में क्या फॉर्म हो जाएगा, कर्ल या हुक का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ दिस, क्या बेटा ये चारों तरफ, चारों तरफ क्या फैली हुई है बताइए, क्या है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ राइजोबियम। तो दूसरा जो स्टेप ये है कि जब ये हायर नंबर में राइजोबियम होगा, ये मजबूर कर देगा रूट हेयर को क्या बनाने के लिए, रूट हेयर को, जो स्ट्रेट रूट हेयर था उसको धीरे 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 कर्ल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हायर नंबर ऑफ राइजोबियम सराउंडिंग अ पार्टिकुलर रूट हेयर विल मेक द रूट हेयर टू कर्ल। वो क्या करेगा बेटा, रूट हेयर को मजबूर कर देगा क्या बनाने के लिए, कर्ल बनाने के लिए। तो ये जो है बेटा जी सेकेंड प्रोसेस हो जाएगा, लिखिएगा लार्ज नंबर स्टेप सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ राइजोबियम सराउंडिंग द रूट हेयर सेल्स, जो रूट हेयर सेल्स है उसकी सराउंडिंग में बहुत ही ज्यादा नंबर में, बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट में ये क्या करेंगे बेटा, वहां पे पाए जाएंगे, ये क्या करेंगे, विल मेक द रूट हेयर सेल्स टू बिकम कर्ल। तो क्या लिखा, लार्ज नंबर ऑफ राइजोबियम सराउंडिंग द रूट हेयर सेल, ओके, सराउंडिंग द रूट हेयर सेल, इट विल, ये क्या करेगा बेटा जी, इट विल मेक रूट हेयर टू फॉर्म अ कर्ल, इट विल मेक रूट हेयर टू कर्ल। अब इसकी वजह से रूट हेयर क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो ये पहला प्रोसेस क्या देखा, सबसे पहला प्रोसेस ये देखा, देखिए इसके अंदर वाली सेल नहीं बनाई है लेकिन वो मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि राइजोबियम जो होगा रूट है, बेसिकली रूट के सराउंडिंग में आएगा, और रूट की सराउंडिंग में आएगा तो पहले चार था, अपने नंबर को इनॉर्मसली बढ़ाएगा। तो पहला वही लिख लिया, राइजोबियम पहले मल्टीप्लाई करेगा, कॉलोनाइज करेगा सराउंडिंग द रूट एंड गेट अटैच टू द एपिडर्मल, और जाके किससे जुड़ जाएगा, या तो एपिडर्मिस या रूट हेयर सेल्स में। जैसे ही इसकी सराउंडिंग में बहुत ज्यादा नंबर में होगा, ये क्या करेगा, मजबूर करेगा, जो रूट हेयर एकदम स्ट्रेट थी उसको धीरे से क्या कर देगा, थोड़ा टिल्टेड कर देगा, या उसको हुक फॉर्मेशन कर लेगा, या क्या कर देगा बेटा जी, सीधी सी बात है उसको कर्ल कर देगा।
ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ राइजोबियम सराउंडिंग द रूट हेयर सेल विल मेक द रूट हेयर टू कर्ल। अब ये क्या होगा बेटा जी, रूट हेयर जो यहाँ पे दिख रही है, राइजोबियम ने क्या कर लिया, उसको क्या कर दिया, कर्ल करने पे या कर्ल होने पे मजबूर कर दिया। क्या कर दिया, कर्ल होने पे क्या कर दिया बेटा जी, मजबूर कर दिया। अब जो तीसरा स्टेप होगा, सुनिएगा, इसके बाद से जो स्टेप होगा दैट इज द स्टेप नंबर थर्ड। अब क्या होगा बेटा जी, ये राइजोबियम आपके सराउंडिंग ऑफ रूट हेयर से अब ये रूट हेयर के अंदर में घुसेंगी। अभी तक तो रूट हेयर के अंदर में नहीं घुसी है, कर्ल पहले क्या आई सराउंडिंग में आई, फिर उसको निचोड़ के क्या कर दिया, उल्टा या कर्ल कर दिया। अब इनके पास मौसम सुहाना हो गया है, अब हम इसके अंदर जा सकते हैं। तो वो कहते हैं चलो बहनों कहाँ चलें, ये कर्ली कर्ली क्या है, तो उस कर्ली कर्ली में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये किसके अंदर में घुसेंगी, आपके अब जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ये रूट हेयर की सेल्स के अंदर में घुसेंगी, यानी ये जो कर्ल दिख रहा है इसके अंदर में घुसेंगी। जैसे ही घुसेंगी इसको बोलते हैं बेटा इन्फेक्शन थ्रेड। क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। इसको हम लोग बोलेंगे कि भैया किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा जी, देखिए हमारी बॉडी में भी अगर कोई बैक्टीरिया घुसता है तो हम कहते हैं कि मेरे बॉडी में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म आपकी सेल के अंदर में घुसा है। तो उसी तरह से भैया रूट हेयर किसका पार्ट है, ऑब्वियसली प्लांट का है, एक हेल्थी प्लांट का है। जैसे ही आपका कोई बैक्टीरिया घुसा, राइजोबियम घुसा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड। थ्रेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा जी ये काफी पतला होता है, जो रूट हेयर होती है काफी पतली होती है, ठीक है। तो मैंने बड़ा थोड़ा बनाया लेकिन एकदम पतली होती है, तो उस पतले से स्ट्रक्चर में जब घुसने लगेंगे क्या बेटा जी, ये राइजोबियम बैक्टीरिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड कब बनेगा, जब राइजोबियम कहाँ घुस जाएगा, इसके अंदर में, रूट हेयर के अंदर में। तो देख लेते हैं, ये देखिए ये रूट हेयर कैसा बेटा, कर्ली है, थोड़ा कर्ली बना दिया मैंने। अब ये क्या हो गए, यहां से बैक्टीरिया कहां जाने लगे हो, पूछ रहा हूं मैं कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो दे आर टेलिंग दैट आई एम गोइंग इनटू द ल्यूमेन ऑफ व्हाट, रूट हेयर, मैं रूट हेयर के अंदर में जा रहा हूं। तो जैसे ही यहां पे देखिए कहां आ गए हैं ये राइजोबियम, राइजोबियम आ गए हैं, कहां आ गए हैं, तो आ गए हैं किसके अंदर में भैया, रूट हेयर के अंदर में आ गए हैं। जैसे ही रूट हेयर के अंदर में घुसेंगे इसी को बोला जाता है बेटा जी इन्फेक्शन थ्रेड या फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। तो लिखिएगा नाउ राइजोबियम, या इसको हम लोग लिख लेंगे थर्ड जेट, दैट इज द इन्फेक्शन इन्फेक्शन थ्रेड। ये क्या बना है, इन्फेक्शन थ्रेड हो गया है, जिसके अंदर में बैक्टीरिया कहाँ है, अंदर में। रूट हेयर काफी थ्रेड की तरह होता है, इसलिए उसको बोला है थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग व्हाट बेटा जी, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम। तो याद रखिएगा जैसे ही राइजोबियम इसके अंदर में घुसेगा तो किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा थर्ड प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, स्टेप नंबर थर्ड। तो लिख लीजिएगा दिस इज द स्टेप नंबर थर्ड, देखते हैं क्या लिखते हैं भैया। थर्ड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड का क्या हो रहा है बेटा जी, फॉर्मेशन हो रहा है, कब, जब राइजोबियम एंटर कर रहा है इनटू द रूट हेयर सेल्स। ओके जी, नाउ तीसरे में क्या हो रहा है, नाउ राइजोबियम एंटर्स इनटू द
कर्ल, ये कर्ल है ध्यान रखिएगा। अब क्या हो चुका है, ये कर्ली रूट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ली रूट हेयर। तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कर्ल कर चुका है, कर्ली रूट हेयर। ओके, कर्ली रूट हेयर में घुस जाता है टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, इन्फेक्शन थ्रेड। और इन्फेक्शन थ्रेड क्यों कह रहे हैं बेटा जी, क्योंकि आपका रूट हेयर काफी क्या होता है बेटा जी, काफी थ्रेड की तरह काफी पतला होता है, बिकॉज रूट हेयर इज जस्ट लाइक थ्रेड। क्योंकि क्यों बोल रहे बेटा, बिकॉज रूट हेयर इज जस्ट लाइक थ्रेड, वो किसकी तरह है, थ्रेड की तरह है। नोट डाउन कर लेंगे ये तीनों स्टेप। पहले क्या हो गया, राइजोबियम आया रूट के सराउंडिंग में, वहां मल्टीप्लाई किया, कॉलोनी बना लिया और अटैच हो गया रूट हेयर से या एपिडर्मल सेल से। अब उसके बाद जैसे लार्ज नंबर हुआ, इसने क्या किया, रूट हेयर को कर्ल कर दिया, ये सेकंड पोजीशन पे हो गया। तीसरे में जैसे ही रूट हेयर कर्ल हो जाएगा, ये राइजोबियम कहां घुस गए, आपके रूट हेयर के अंदर में, ये क्या है, रूट हेयर। जैसे ही अंदर में घुसे, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। नोट डाउन करेंगे इतनी बातों को, क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, देखिए राइजोबियम अब यहां से देखिए, चूंकि यहां पे पार्ट्स होंगे रूट के, सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर में कॉर्टेक्स, उसके अंदर में पेरिसाइकल। तो अब क्या करेगा, यहां से ये जो राइजोबियम है, ठीक है जी, यहां मैं बना देता हूं, तो आई थिंक इधर वाला पार्ट हो चुका है ना, तो इसको जरा डिलीट कर दूं, ये जो तीन स्टेप्स होने थे ये हो चुके हैं। अब इसके आगे वाले स्टेप्स को हमें लिखना होगा। ओके ठीक है, तो आप इधर देखिएगा, ठीक है, ये देखिए यहां पे ये रेड रेड क्या है, राइजोबियम है। अब ये राइजोबियम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ के आपका पहला पार्ट क्या था, ये मैंने बोला था कि ये पार्ट क्या है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को क्रॉस किया इन्होंने, एपिडर्मिस को क्रॉस करने के बाद ये आ गए बेटा जी सेकंड, दैट इज द कॉर्टेक्स में आ गए। कहां गए बेटा जी, कॉर्टेक्स। हम एंडोडर्मिस अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि वो उसी का पार्ट है, ठीक है, सेकंड में कहां आ गए, कॉर्टेक्स में। तो बेटा जी अब ये जो राइजोबियम होगा, धीरे 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 आपका आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे एपिडर्मिस में आया। अब वो तो पहले रूट हेयर में आ चुका था इन्फेक्शन करके, अब ये धीरे 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 आपके कॉर्टेक्स में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, सॉरी रेड से ही बनाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां पे आ जाएगा। कहां पे आएगा आपके, ये देखिए ये मूव कर करके कहां आ जाएगा, कॉर्टेक्स के अंदर में घुस जाएगा। तो हो क्या रहा है, राइजोबियम पहले रूट हेयर में या एपिडर्मल में आया, फिर ये धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा है, कहां आ गया बेटा जी, कॉर्टेक्स में। तब जब राइजोबियम एंटर करता है इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ रूट, तो यहां पे ये जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर फोर, दैट इज द स्टेप नंबर फोर, सुनिएगा, जब ये राइजोबियम इस कॉर्टेक्स में आएगा तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जब ये कॉर्टेक्स में आएगा तो ये डिफरेंशिएट करके, कुछ थोड़ा बड़ा बना देता हूं, डिफरेंशिएट करके रॉड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स को बनाएगा। क्या करेगा बेटा जी, यहां पे ये डिफरेंशिएट करके ये क्या बना लेगा, कुछ इस तरह का रॉड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो राइजोबियम है, क्या था बेटा जी,
राइजोबियम ये डिफ्रेंशिएट करके अब बना लेगा क्या बेटा जी, रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स। क्या बना लेगा? रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या बनाएगा? रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स। ये राइजोबियम डिफ्रेंशिएट होके क्या बना लेगा? रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, ओके। चलिए दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि देखिए ये जो रूट हेयर जो कर्ली हो गया था इसके अंदर में आपका राइजोबियम घुस गया था, तो उसको हमने बोला था इन्फेक्शन थ्रेड, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। अब ये राइजोबियम धीरे 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 कहां घुस जाएगा? इनटू द कॉर्टेक्स। और जैसे ही कॉर्टेक्स में घुसेगा राइजोबियम डिफ्रेंशिएट करेगा, मैंने लिख दिया है डिफ्रेंशिएट करके, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, डिफ्रेंशिएट करके DIFFERENTIATE, डिफ्रेंशिएट करके क्या बन गया बेटा? रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स। क्या बन गया? रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स। तो यही हमारा चौथा स्टेप है। यहां पे देखिएगा, नाउ बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ रूट, कॉर्टेक्स ऑफ रूट में घुसा है थ्रू दिस इन्फेक्टेड, क्या बोलेंगे? इन्फेक्टेड रूट। अब ये इन्फेक्शन हो गया ना इसमें, इन्फेक्टेड रूट, एंड डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स। क्या बन गया बेटा? रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स। अब ये सुनिएगा, ये जो बाहर वाली तो थी एपिडर्मिस, ये थी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर में, कॉर्टेक्स के जो अंदर वाली सेल है, ये वाली सेल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, बताइए कॉर्टेक्स। मैंने बोला ना कि कॉर्टेक्स में एंडोडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, उसको छोड़ दिया। कॉर्टेक्स के अंदर में क्या होगा? पेरिसाइकल। क्या होगा बेटा जी? पेरिसाइकल। तो करेगी क्या, जो ये बैक्टीरॉइड जो होगी इसके वजह से रॉड से जो बैक्टीरॉइड है इसकी, ये क्या करेगी? ये मदद करेगी ताकि जो आपके कॉर्टेक्स की और आपके पेरिसाइकल की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करने में मदद करेगी इनके। सो नाउ दिस रॉड से बैक्टीरिया कजेस द कॉर्टेक्स एंड what is this? This is the epidermis, this is the cortex, this is the pericycle. This rod-shaped bacteria, so not bacteria, rod-shaped bacteroids. क्या बोलेंगे इसको? नाम को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा हुआ है एक बार, rod-shaped bacteroids क्या करेगा बेटा? ये आपके कॉर्टेक्स सेल को और पेरिसाइकल जो होगी उसकी सेल को मदद करेगा ताकि वो क्या करें? डिवाइड करें। और जब वो डिवाइड करके ग्रो करेंगी तभी आपका नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। कहां पे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले मैं बैक्टीरॉइड्स बना कहां है ध्यान रखिएगा। सो बैक्टीरॉइड्स बना है कहां पे? कॉर्टेक्स में। तो नोड्यूल फॉर्मेशन भी इनिशिएट होगा कॉर्टेक्स में। ये बैक्टीरॉइड्स ही क्या करेंगी? बैक्टीरॉइड्स हेल्प करेगी कौन सी सेल को? आपके कॉर्टेक्स को और पेरिसाइकल को, ताकि वो डिवाइड करें। और जब ये डिवाइड करेंगी तो बनेगा एक मैच्योर नोड्यूल। क्या बनेगा? नोड्यूल। तो जो कोई भी पूछे कि भैया आप बताइए जो ये प्रोसेस है नोड्यूल फॉर्मेशन का वो कहां से स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा नोड्यूल फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट हुआ है फ्रॉम द कॉर्टेक्स। तो पांचवा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप लिखना ना भूलें, पांचवा देखिए, इन कॉर्टेक्स सेल नोड्यूल फॉर्मेशन इनिशिएटेड, यानी कि इनिशिएटेड मतलब स्टार्टेड, कहां से स्टार्ट होता है नोड्यूल फॉर्मेशन? वो आपके स्टार्ट होगा कहां से? कॉर्टेक्स में, क्योंकि बैक्टीरॉइड्स बना कहां है? कॉर्टेक्स में। इससे पहले तो राइजोबियम था, राइजोबियम किसमें कन्वर्ट हो गया? रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स में। यही रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स ने क्या किया? मदद किया ताकि आपकी दोनों सेल कॉर्टेक्स साथ साथ में पेरिसाइकल में भी थोड़ा बहुत घुसेगा, उसको भी मदद करेगा। तो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल का डिवीजन कराया, और डिवीजन कराया तो ही आपका एक मैच्योर नोड्यूल
बना। तो पांचवा यहाँ पे जो प्रोसेस है कि कॉर्टेक्स सेल में नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। छठा हम इसके बाद लिख लेंगे जो हमको लिखना है, दिस बैक्टीरियोइड्स कजेस इनर कॉर्टिकल, द कॉर्टेक्स की जो सेल होती है उसको कॉर्टिकुलर कॉर्टिकल सेल बोलेंगे, एंड कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स टू डिवाइड। ठीक है, अब ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, कौन कौन सी सेल, दिस कॉर्टेक्स सेल और ये वाली पेरिसाइकल सेल, दोनों डिवाइड करेंगी, ग्रोथ करेंगी, इसके वजह से ही क्या किसका फॉर्मेशन होगा, नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। सो डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड किसकी, दूसरे इसके बाद किसकी, कॉर्टिकल की और किसकी, पेरिसाइकल सेल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। ओके, तो यही जो डिवीजन होगा इनके अंदर में, इसीलिए नोड्यूल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा जी, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल, याद रखिएगा, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल या नोड्यूल फॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियोइड्स जैसे ही आपके बनेंगे कहां पे, कॉर्टेक्स में, आपका नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होगा, ये बैक्टीरियोइड्स कज करेंगे, हेल्प करेंगे आपके पेरिसाइकल को और कॉर्टेक्स सेल को, ताकि डिवाइड करो, और जब ये डिवाइड करेंगे तो नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा जी, नोड्यूल फॉर्मेशन, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, लेड टू द, सीधे लिख लीजिए, नोड्यूल फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन होगा जी, नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। अब ये एक लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सपोज करिए इसके बाद थोड़ा मैं इसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर वाले को डिलीट कर दूं क्या, चलिए यहां बता देता हूं। इसके बाद जो होगा, जो आपका नोड्यूल होगा कुछ इस तरह का होगा, मास ऑफ सेल होगी, ये है बेटा जी आपका मैच्योर नोड्यूल, मैच्योर नोड्यूल। ठीक है, जरा देखता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या दिख रहा है, तो पहला ये 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 ये, फिर ये, दिस वन मैच्योर नोड्यूल। ये जो नोड्यूल बना है बेटा जी, नोड्यूल, ये जो नोड्यूल बना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो नोड्यूल बनेगा बेटा जी, इसके अंदर में सप्लाई होगी किसकी बेटा, जब ये मैच्योर होगा तो वास्कुलर सप्लाई होगी, किसकी सप्लाई होगी जी, जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई होगी। आप खुद बताइए बेटा जी, बेटा जो सेल बनी है उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए, जो सेल बनी है उसको खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो मास ऑफ सेल बना है, मास ऑफ सेल नोड्यूल को मास ऑफ सेल भी कह सकते हैं, जो ये मास ऑफ सेल बना है नोड्यूल, नोड्यूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैच्योर नोड्यूल होगा ना बेटा जी, इसके अंदर में सप्लाई होगी किसकी बेटा जी, किसकी बोलिए, वास्कुलर टिश्यू की, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई होगी, ताकि इनके अंदर में भी एक्सचेंज हो सके, किसका बेटा, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो सके, उनको खाना पानी दाना मिल सके, ताकि तभी तो वो जिंदा रहेंगे। तो बेटा ये नोड्यूल के जो नोड्यूल जो फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर में किसकी सप्लाई होगी, वास्कुलर टिश्यू की, ठीक है। तो थोड़ा मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है, इसको आई थिंक ये हो चुका होगा, ठीक, यहां पे जो लास्ट में जो बना है दैट इज द
ये मान लीजिए मास ऑफ सेल जिसको हमने बोला नोड्यूल, ये मैच्योर नोड्यूल है, इसके अंदर में किसकी सप्लाई होगी, जाइलम और फ्लोयम की। किसकी सप्लाई होगी, जाइलम और फ्लोयम की सप्लाई होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, जाइलम और फ्लोयम को हम लोग बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वस्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोयम की सप्लाई होगी ताकि वो न्यूट्रिएंट्स का क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, अगेन थोड़ा सा, चलिए तो लास्ट स्टेप में यही है कि जो मैच्योर नोड्यूल होगा उसके अंदर में जाइलम और फ्लोएम की क्या होगी, सप्लाई होगी। जो मैंने लिख दिया, ए मैच्योर नोड्यूल इज कंप्लीट विथ वस्कुलर टिश्यू, इसके अंदर में वस्कुलर टिश्यू होगी ताकि बेटा वही न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान हो सके, विथ कंटिन्यू टिश्यू कंटिन्यूअस विथ दोज ऑफ रूट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में बेटा हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा कौन कौन सा कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ नोड्यूल, ये नोड्यूल के केस में जो नोड्यूल के अंदर में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं जो आपके एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करती हैं, वो सारा हम नेक्स्ट सेक्शन में लिखेंगे पढ़ेंगे। ये आपको एक बार और रिपीट करा देता हूं कि सबसे पहले क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया आएगा किसके पास में, रूट हेयर के पास में आएगा और वहां पे अपनी कॉलोनी को बनाएगा, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। पहला, जब ये अपने नंबर को ज्यादा इंक्रीज करेगा तो जो आपका रूट हेयर होगा वो क्या होगा बेटा, कर्ल कर जाएगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ राइजोबियम, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, अब ये जब झुका लेगा तो घुसना स्टार्ट कर देगा उसके अंदर में, जैसे ही राइजोबियम उसके अंदर में घुसेगा ये कहलाएगा फॉर्मेशन ऑफ इंफेक्शन थ्रेड। अब राइजोबियम घुस गया है रूट हेयर सेल्स के अंदर में, अब ये धीरे 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 एंटर करेगा इनटू द कॉर्टेक्स में, तो राइजोबियम जब कॉर्टेक्स में पहुंचेगा वहां पे वो डिफरेंशिएट करेगा और डिफरेंशिएट करके रॉड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, चौथा स्टेप। फिर पांचवा स्टेप होगा बेटा जी, बताइए बैक्टीरियोइड्स बना कहां है, तो आप बोलेंगे कॉर्टेक्स में, तो कॉर्टेक्स के सेल को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, साथ साथ में पेरिसाइकिल के सेल को भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, मैच्योर नोड्यूल को फॉर्म करेगा। तो पांचवा पॉइंट पहले हम लिखेंगे क्या, नोड्यूल फॉर्मेशन कहां इनिशिएट होगा, रूट के किस हिस्से में होगा, तो याद रखिएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कहां स्टार्ट होगा, कॉर्टेक्स में, ठीक है। फिर दोनों कॉर्टिकुलर सेल्स भी डिवाइड करेंगी, आपकी पेरिसाइकिल सेल भी डिवाइड करेंगी, ये वाली कॉर्टेक्स की सेल और पेरिसाइकिल सेल दोनों डिवाइड करेंगी, तो क्या बना लेंगी, मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगी। अब ये जो नोड्यूल बनेगा उसके अंदर में सप्लाई होगी जाइलम एंड फ्लोएम की ताकि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट दैट आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ दिस नोड्यूल, देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नोड्यूल्स, यानी कि नोड्यूल्स के अंदर में क्या क्या चीजें रहती हैं जो आपके एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है अमोनिया में, यही तो हमारा क्या है एम है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ के क्या कर देना, किसमें कन्वर्ट कर देना, अमोनिया में, तही यही तो कहेगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो द नोड्यूल कंटेंट, जो नोड्यूल होता है उसके अंदर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है मौजूद होती हैं, पहला तो बेटा जी इंजाइम जो मदद करती है N2 को कन्वर्ट करने में इनटू NH3 में, विच इंजाइम, नेम ऑफ द एंजाइम इज नाइट्रोजिनेज, कौन सी इंजाइम, नाइट्रोजिनेज इंजाइम, इसके अंदर में नाइट्रोजिनेज इंजाइम होगा। और इसके साथ साथ में एक और कंपोनेंट होता है जो कि क्या करता है, मदद करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने में, दैट इज द लेग हीमोग्लोबिन, जो हमने पढ़ा था कि भैया पल्सेस को काटा था, उसके किसको काटा था बताइए, रूट नोड्यूल्स को, रूट नोड्यूल्स के अंदर में जो पिंकिश और रेडिश कलर का जो पिगमेंट था वो किसकी वजह से था, बोला था लेग हीमोग्लोबिन, यानी कि
लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेग्यूम प्लांट में उसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। तो देखिए मैच्योर नोड्यूल है, इसके अंदर में क्या होगा नाइट्रोजिनेज और क्या होगा लेग हीमोग्लोबिन। अब आ जाइए जो नाइट्रोजिनेज जो है ना बेसिकली जनरली होता है जितनी भी एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन से बनी होती है। बेसिकली कहा मैंने कुछ एंजाइम ऐसे भी होती हैं जो कि आरएनए से बनी होती है, फॉर एग्जांपल क्या राइबोजाइम जो कि आरएनए से बनी होती है, लेकिन मैक्सिमली किस चीज से बनी होगी प्रोटीन से बनी होगी। तो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये कॉम्बिनेशन है दो चीज का, मॉलिब्डेनम एंड फेरस प्रोटीन, किस चीज से मिलकर बना हुआ है मॉलिब्डेनम एंड फेरस प्रोटीन। सेकेंड पॉइंट पे आ जाइएगा द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, व्हाट इट बाय बेटा द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज अ, याद रखिएगा ये पूछा गया है व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ नाइट्रोजिनेज, तो याद रखिएगा मॉलिब्डेनम और फेरस, क्या होगा बेटा मॉलिब्डेनम और फेरस का मिलने के ये जो होता है मॉलिब्डेनम और फेरस जो मिलता है इसी की वजह से आपका जो एंजाइम जो होगा नाइट्रोजिनेज बनता है। सो द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज अ मॉलिब्डेनम और फेरस कंटेनिंग प्रोटीन एंड कैटेलाइज, प्रोटीन बता ही दिया कि एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, एंड कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ क्या बेटा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजिनेज ही एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और यही जो अमोनिया बनता है ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन का। याद रखिएगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अमोनिया, क्या होगा बेटा देख लीजिए यहां दिखा दिया एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है इन द केस ऑफ नाइट्रोजिनेज जो क्या बेटा जी एंजाइम, और ये किस चीज से बना हुआ है बेसिकली कॉम्बिनेशन होगा मॉलिब्डेनम और फेरस प्रोटीन से, ये क्या करेगा बेटा N2 को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में, और यही पहला स्टेबल प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे ये वाला पॉइंट, ये जब हम लोग बेटा जी इंडिविजुअली जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर दैट इज द फंक्शन ऑफ मॉलिब्डेनम फंक्शन ऑफ फेरस, तो वहां हमने पढ़ा था कि मॉलिब्डेनम और फेरस ये दोनों के कंडीशन में हमने पढ़ा था कि ये मदद करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। तो अब समझ में आया किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स बनाते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम कन्वर्जन में मदद करता है N2 को NH3 में, यानी कि मॉलिब्डेनम और फेरस भी मदद करता है आपका किसमें बेटा जी नाइट्रोजन को फिक्स करने में। सो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ बातें बाकी हैं इसको करना है हमको। चलिए दोस्तों देखते हैं अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे रखा है, उसको पहले पढ़ते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा खतरा महसूस करती है किससे, टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इट रिक्वायर्स एन एरोबिक कंडीशन टू फिक्स द नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या है सीधे से एक वर्ड में समझाता हूं, देखिए नाइट्रोजिनेज बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी सीधी सी बात है जहां पे ऑक्सीजन होगा वहां पे नाइट्रोजिनेज फंक्शनल नहीं होगी, नॉन फंक्शनल होगी, और नॉन फंक्शनल होगी तो कभी भी नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगी। ये इसको रिक्वायर चाहिए, द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द नाइट्रोजिनेज टू फिक्स द नाइट्रोजन इज व्हाट एन एरोबिक कंडीशन, इसको क्या चाहिए बिना ऑक्सीजन वाली कंडीशन दोगे तभी वो नाइट्रोजिनेज फिक्स कर पाएगी नाइट्रोजन को, अगर ऑक्सीजन रहेगा उसकी सराउंडिंग में तो कभी भी वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव होती है, यानी एक तरह से देखो ऑक्सीजन क्या है नाइट्रोजिनेज का दुश्मन है, क्या बेटा जी दुश्मन है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी बहुत ज्यादा खतरा महसूस करिए किससे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट रिक्वायर्स एन एरोबिक कंडीशन टू फिक्स द नाइट्रोजन। देखिए यहां समझाया है अंदर में ये जो आपको रेड रेड दिख रही है ये मान लीजिए नाइट्रोजिनेज है, ठीक है जी, उसकी सराउंडिंग में आपका ऑक्सीजन है दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये दिख रहा है, तो
जब नाइट्रोजन की सराउंडिंग में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रहेगा तो नाइट्रोजनेट कैसी हो जाएगी, नॉन फंक्शनल, काम करने लायक नहीं रह जाएगी, तो इट कैन नॉट फिक्स द नाइट्रोजन। अब यहां आ जाइए, देखिए नाइट्रोजिनेज है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या बेटा यहाँ पे अब्सेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो कौन सा कंडीशन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी, एनएरोबिक कंडीशन होगी, ऑक्सीजन नहीं तो क्या होगा, एनएरोबिक कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा फंक्शनल एंड इट कैन फिक्स द नाइट्रोजन। तो इसका मतलब यही है कि नाइट्रोजन काफी सेंसिटिव है किसके बेटा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के, और जब ऑक्सीजन वहां रहेगा वहां पे नाइट्रोजन नॉन फंक्शनल होगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगी, लेकिन ये नाइट्रोजिनेज काफी एक्टिवली काम करती है किस फंक्शन में या किस जगह पे या किस लोकेशन पे, कौन सी कंडीशन में, तो आप बोलेंगे भैया जी जिस कंडीशन में जिस जगह पे कौन सा इन्वायरमेंट होगा, एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन इसको चाहिए टू फिक्स द नाइट्रोजन, क्लियर है। तो ये भी खतरा है भैया, तो जो मैच्योर नोड्यूल है उसने जुगाड़ करके रखा हुआ है, बेटा नाइट्रोजन मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा बेटा, तुम्हारा जो दुश्मन, जो तुम्हारा दुश्मन नाइट्रोजन है, वो मेरा दुश्मन, ओके जी, कौन कह रहा है, नोड्यूल, नोड्यूल के अंदर में ही है आपका नाइट्रोजनेज, कह रहा बेटा शांत, बेटा शांत नाइट्रोजनेज, मैं जान गया कि ऑक्सीजन तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है, तो नोड्यूल के पास में एडप्टेशन होता है, तो ये लिख रही है एनसीईआरटी, द नोड्यूल हैव एडप्टेशन दैट इंश्योर द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीजन। नोड्यूल समझ गया है कि बेटा, मैं समझ गया बेटा, तुम चुप रहो, तुम घर में बैठो, नाइट्रोजनेज बैठो बेटा, मैं तुम्हारे दुश्मन, जो ऑक्सीजन तुम्हारा दुश्मन है उसको जुगाड़ करके रख, उसके लिए मैंने हथियार रखा है, आने तो दो ऑक्सीजन को, आ बेटा ऑक्सीजन आ, तेरे को देख लूंगा मैं, तो क्या कैसा है बेटा, सुनिएगा, यह है मान लीजिए नोड्यूल, नोड्यूल के अंदर में क्या है, नाइट्रोजिनेज, जरा वो ऐसा ऑक्सीजन आ रहा है मुझे मार डालेगा, तो नोड्यूल कह रहा है डोंट वरी, इफ नोड्यूल इज हेयर यू डोंट हैव टू वरी, ओके, नोड्यूल के अंदर में एक कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज द लेग हीमोग्लोबिन, कौन सा हीमोग्लोबिन बेटा, लेग हीमोग्लोबिन, जो भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आएगा, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आ रहा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आएगा, उसको कौन खा जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन खा जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन को बोला जाता है बेटा जी, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीजन को खत्म करने वाला, पूरी तरह से खा जाने वाला, तो लेग हीमोग्लोबिन जो होगा वो ऑक्सीजन को पूरी तरह से स्कैवेंज कर जाएगा, खत्म कर जाएगा, तो इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, जो भी ऑक्सीजन आया फटाक से किसने खा लिया, लेग हीमोग्लोबिन इधर से खा लिया, पूरे किसको, लेग हीमोग्लोबिन को खत्म कर डाला उसने, तो खत्म कर डाला तो इन्वायरमेंट कैसा रहा, एनएरोबिक मेंटेन रहा, तो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन आसानी से हो सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लेग हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑक्सीजन को खाने वाला, कई बार पूछा हुआ है, कई बार ये पूछा हो गया कि लेग हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन एज, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो देखिए नोड्यूल ने अपना वादा निभाया, नाइट्रोजनेज डरा हुआ था, ओ माय गॉड ऑक्सीजन आ रहा है, तो उसने बोला आने तो दो मैं हूं ना, नाइट्रोजनेज के पास हथियार, सॉरी नोड्यूल के पास हथियार था क्या, लेग हीमोग्लोबिन, उसको चला के मारा, उसने सारे ऑक्सीजन को क्या कर लिया, खा लिया, स्कैवेंज कर लिया, तो अब माहौल कैसा हो गया, एनएरोबिक, अब नाइट्रोजनेज अपना काम करेगा और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके दिखाएगा। टू प्रोटेक्ट दिस एंजाइम नाइट्रोजनेज द नोड्यूल कंटेन्स, नोड्यूल कंटेन क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर दैट इज कॉल्ड एज द लेग हीमोग्लोबिन, जो भी ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन आएगा, ठीक है जी, जो भी ऑक्सीजन आएगा उसको कौन खाएगा, लेग हीमोग्लोबिन खाएगा, तो वहां पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं रह पाएगा, और नहीं रह पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं रह पाएगा तो कौन सी कंडीशन मेंटेन कर पाएगा, तो यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन रहेगी, और एनएरोबिक कंडीशन में जो आपका नाइट्रोजिनेज है वो काम कर पाएगा, तो ये एन टू को NH3 में कन्वर्ट कर पाएगा, इसी को बोला गया क्या जी,
बोलिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोट डाउन करेंगे इसको। ऑक्सीजन स्केवेंजर नहीं भूलना है, याद रखना है ऑक्सीजन स्केवेंजर इज लेग हीमोग्लोबिन। चलिए एक लाइन दे रखी है जिसको इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, तो उस लाइन को समझाना बड़ा ही जरूरी है। एम्स में पूछा हुआ था क्वेश्चन, क्या है बेटा, देखिए सिंपल सी बात है, राइजोबियम जब फ्री लिविंग होगा यानी कि वो किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं है, यानी सॉइल में वो फ्री लिविंग में है, तो फ्री लिविंग में सर्वाइव कर सकता है। तो राइजोबियम जब फ्री लिविंग में होता है ना, फ्री लिविंग में, तो वो उसको लिव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। वही राइजोबियम जो है फ्री लिविंग यानी कि आपके फ्री लिविंग यानी कि सॉइल में मौजूद होगा तो उसको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, ऑक्सीजन की, तो वो एरोबिक कंडीशन में जिंदा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये राइजोबियम कहां आएगा, रूट नोड्यूल के या रूट के साथ में आएगा, तो राइजोबियम जब रूट ऑफ सोयाबीन यानी कि इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा, तो इसको जो कंडीशन चाहिए वो चाहिए एनएरोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन वहां नहीं होना चाहिए। बेसिकली इसलिए ये करता है क्योंकि बेटा जी जो राइजोबियम है बेसिकली है क्या, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर में ही मौजूद होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और जो सॉरी नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स, तो इसके अंदर में राइजोबियम के अंदर में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है कौन सी, नाइट्रोजिनेज, तो यहां पे ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि उसी राइजोबियम के अंदर में पाई जाती है, ये एनएरोबिक कंडीशन में यहां पे वर्क करता है टू फिक्स द नाइट्रोजन। तो ये लिखा है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दिस माइक्रोब्स यानी कि राइजोबियम की बात कर रहा है, लिव एज एरोब्स, एरोब्स मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये लिव करता है, जिंदा रहता है अंडर फ्री लिविंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन में, फ्री लिविंग कंडीशन में। बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट, जब नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले इवेंट्स आते हैं, दे बिकम एनएरोब्स, ये क्या बन जाते हैं, क्या बन जाएंगे, एनएरोब बन जाएंगे, क्योंकि उनको किसको प्रोटेक्ट करना है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जहां ऑक्सीजन होगा वहां पे काम नहीं करेंगी, ये काम करेंगी जहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, नहीं होगा, ऑक्सीजन अब्सेंट होगा, तो यहाँ पे यही राइजोबियम एनएरोब की तरह काम कर रहा है। बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट दे बिकम एनएरोब, यानी कि राइजोबियम किसकी तरह काम कर रहा है, एनएरोब्स की तरह, दस प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज एंजाइम, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए एक जो रिएक्शन दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, जो पेज नंबर आपका 203 है, कितना बेटा, जो पेज नंबर 203 है उसके ऊपर ये एक रिएक्शन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन जो दे रखा है यहाँ पे N2 यानी कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं हम लोग, फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 ATP एनर्जी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड दैट इज द मॉलिब्डेनम एंड फेरस प्रोटीन का बना हुआ है। ओके, सो दो मॉलिक्यूल, चूंकि यहां पे N2 है, नाइट्रोजन कितना है, दो, तो कितना मॉलिक्यूल अमोनिया बनेगा, टू NH3 यानी कि दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया बनेंगे। तो अब देखिए एक्चुअली में 8H प्लस और 8 इलेक्ट्रॉन बेसिकली बना क्या रहा है, 8H2 अगर देखेंगे H8 हो रहा है, यानी हाइड्रोजन H प्लस और H माइनस जब इसको आप तोड़ोगे तो ये टूटता है 8H प्लस में प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, यानी कि हाइड्रोजन कंपोनेंट कितने हैं, 8, ठीक है, तो इधर में हाइड्रोजन कंपोनेंट है 8। अब यहां देखिए 2 × H3 2H3 तो कितना हो जाएगा, H6 कितना हो गया बेटा, H6, सो 6 तो हाइड्रोजन आ गया, प्रोटॉन आ गया, यहां पे कितना है 8, तो बैलेंस करने के लिए इधर में कितना लिख दिया, 6 और 2 8। ध्यान रखिएगा ये किया क्या है, यहां पे 8 H+ या H8 है, 8 H मॉलिक्यूल्स है,
एट एच प्लस और एट इलेक्ट्रॉन मिलके, ठीक है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तोड़ते हैं जो प्रोटॉन और सॉरी ये इलेक्ट्रॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आठ है, ठीक है। तो जब आप इसमें देखोगे अमोनिया में 2H3, तो हाइड्रोजन कितना है, 3 पहले से इंटू 2 कर दीजिए, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, बचा कितना, इधर में 8, इधर में 6, तो 2 और लगा दिया H2, ओके जी, बैलेंस करने के लिए। और जब ये ATP टूटेगा तो दो कंपोनेंट में टूटता है बेटा जी, ADP, 16 ATP टूटेगा, 16 ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो PI है उसका मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो एवव रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो बेटा जी कि जो दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया बनाने के लिए कितना ATP एनर्जी चाहिए, 16 ATP एनर्जी, कितना ATP, 16 ATP एनर्जी। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कितना बना, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, अगर एक ही मॉलिक्यूल बनाना है 1NH3, केवल एक ही अमोनिया बनाना है, तो बताइए दो बनाने के लिए 16 ATP लग रहा है, तो एक बनाने के लिए कितना लगेगा, 8 ATP एनर्जी लगेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, 16 ATP की एनर्जी चाहिए जब दो अमोनिया बनाना है, जब एक अमोनिया बनाना होगा तो कितना लगेगा, उसका आधा कर देंगे भैया, इधर आधा हुआ तो इधर भी आधा कर दो, दोनों साइड आधा कर दीजिए, पहले कितना है, दो अमोनिया, तो कितना ATP एनर्जी चाहिए, 16, अब क्या कर दिया, एक अमोनिया, इसका पूरा आधा कर दिया, एनर्जी भी क्या होगी, आधा रिक्वायर्ड होगी, यानी कि 8 ATP एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ये जो इतनी अमाउंट में जो 8 या 8 ATP एनर्जी है, ये ऑब्टेंड कहां से होगी, तो बेटा जी देखिए नोड्यूल बना कहां है, होस्ट सेल के अंदर में बना है ना, तो जो होस्ट सेल है या सोयाबीन की जो रूट की जो सेल्स होंगी वो रेस्पायर करेंगी, रेस्पायरेशन करके वो एनर्जी देंगी इस प्रोसेस के लिए, नोट डाउन करेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस इन द अबव रिएक्शन दैट द अमोनिया, एक अमोनिया की बात कर रहा है, सिंथेसाइज बाय नाइट्रोजिनस एंजाइम रिक्वायर हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, कह रहा है कितना इनपुट एनर्जी चाहिए, 8 ATP एनर्जी चाहिए फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस, एक अमोनिया के लिए 8, यहां पे दे रखा है कितना, 16 ATP, क्यों दे रखा है, क्योंकि कितना अमोनिया बना है, दो अमोनिया, ठीक है। दिस एनर्जी रिक्वायर्ड दस इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पायरेशन ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल के रेस्पायरेशन से, सोयाबीन सेल के अंदर में जो रेस्पायरेशन होता है उससे ये एनर्जी मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या बेटा जी, नोड्यूल फॉर्मेशन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।